मैम क्लास ऑन कैंपस होगी? बच्चों आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। यस मैम। वालेकुम सलाम मैम। कुछ भी नहीं, चेंज कर दो। हां पर नो प्रॉब्लम जी। बेटा आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पैथोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ऐसा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी ऑन कैंपस क्लासेस भी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएं। तो फिर जो है वो इन द मिड ऑफ द लेक्चर, यानी 11 बजे लेक्चर शुरू होता है तो 11:30 आपकी अटेंडेंस हो जाया करेगी, ठीक है? उसके बाद जो लोग आएंगे उनकी फिर एब्सेंट लगेगी। तो आज भी मैं 11:30 पे आपकी अटेंडेंस ले लूंगी, स्क्रीन शॉट ले लूंगी, तो फिर इस तरह से, ठीक है? अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पैथोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस, हम डिटेल से पढ़ेंगे, और बाकी की हम जो है वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो मेनिंजाइटिस इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल कंडीशन। मेनिंजीज ऑल ऑफ यू नो आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, आपको अब तक सबको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 मेनिंजीज जो है वो कवर करती हैं, जिसमें के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो बिल्कुल एडहेरेंट होती है वो पाया मैटर होती है, PIA पाया मैटर होती है। उसके बाद फिर अरेकनॉइड मैटर होती है, और सबसे बाहर वाली जो मेनिंजियल लेयर है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, जो सबसे ज्यादा टफ मेनिंजियल कवरिंग होती है, ड्यूरा मैटर। फिर इनके ड्यूरा मैटर के बाहर एपिड्यूरल स्पेस है, जिसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ड्यूरा मैटर के अंदर सब ड्यूरल स्पेस है। अरेकनॉइड मैटर के अंदर सब अरेकनॉइड स्पेस है, जिसमें कि CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। तो ये फिर एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सबरेक्नॉइड स्पेसेस भी इनके दरमियान में हैं, ठीक है? तो इस वक्त हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेनिंजाइटिस, दैट इज इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज। व्हाट आर द मेनिंजीज? दे आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। देयर आर 3 मेनिंजीज व्हिच कवर द ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड, पाया मैटर, अरेकनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। सीक्वेंस में फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड, पाया मैटर, अरेकनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। तो इनका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, दैट कैन बी बैक्टीरियल, दैट कैन बी वायरल। इसमें CSF इन्फेक्ट हो जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो सब अरेकनॉइड स्पेस में, वो इन्फेक्ट हो जाता है। ज्यादातर केसेस वायरल मेनिंजाइटिस के होते हैं, ज्यादातर केसेस वायरल होते हैं, बट इट कैन बी बैक्टीरियल, इट इवन कैन बी पैरासिटिक, पैरासाइट में मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं, और फंगस भी कर सकती है, ठीक है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक पैरासाइट है जो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, पैरासाइट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरियल और वायरल केसेस होती हैं। और इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स जो इसके आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा 3 क्लिनिकल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं। सबके सब तो नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से जो भी आए
इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस. इनमें से कुछ भी हमें मिले, हमें मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में सोचना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा आए तो फिर तो जरूर. हाई ग्रेड फीवर, नेक स्टिफनेस, ठीक है, इसमें आती है नेक स्टिफनेस, हाई ग्रेड फीवर, ये इसके जो है. और इसके अलावा वॉमिटिंग, ठीक है, किसी भी हाई ग्रेड फीवर में वॉमिटिंग हो सकती है, किसी भी हाई ग्रेड फीवर में जो है वो सीवियर हेडेक हो सकती है, ठीक है. तो तीन जो इसके टिपिकल फीचर्स हैं वो हैं हाई ग्रेड फीवर, नेक स्टिफनेस और सीवियर हेडेक, ठीक है. ये तीन ज्यादातर जो है वो इसके ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे डायग्नोसिस बहुत आसान हो जाता है. अगर ये तीनों आ गए हैं तो मेनिंजाइटिस ही है मोस्ट प्रोबेबली. देर आर अदर साइन एंड सिम्टम्स एज वेल, फॉर एग्जाम्पल ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस. बच्चों और बड़ों में सिम्टम्स फर्क होते हैं. अच्छा जी, बच्चों और बड़ों में साइन एंड सिम्टम्स में थोड़ा डिफरेंस होता है. और बड़ों में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, यानी पेशेंट विल डिसलाइक ब्राइट लाइट्स एंड लाउड नॉइजेस, दैट इज कॉल्ड फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया. फोटोफोबिया क्या है, लाइट को बर्दाश्त नहीं करता पेशेंट, लाइट उसे अच्छी नहीं लगती, खासतौर पर ज्यादा लाइट, ब्राइट लाइट, उसकी आंखों को तकलीफ होती है, इरिटेशन होती है, फोटोफोबिया. फोनोफोबिया लाउड नॉइजेस पेशेंट को, क्योंकि मेनिंजियल इरिटेशन है ना, सीएनएस की इरिटेशन है, तो देखना भी सीएनएस से है और सुनना भी सीएनएस से है, ठीक है. विजन और हेयरिंग दोनों का ताल्लुक सीएनएस से है. सीएनएस में इंफेक्शन है, इंफ्लेमेशन है, यानी मेनिंजीज की. तो पेशेंट मे एक्सपीरियंस फोटोफोबिया, फोनोफोबिया. इसके अलावा ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस. इवन पेशेंट कैन एक्सपीरियंस फिट्स, टॉनिक क्लॉनिक फिट्स भी उसको हो सकते हैं. और बच्चों में थोड़े डिफरेंट इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. अब आप कहेंगे स्लाइड चेंज नहीं हो रही, तो बेटा मैं आपको कई दफा स्लाइड चेंज किए बगैर पढ़ा रही होती हूँ, अगर मुझे स्लाइड चेंज करनी होगी तो मैं कर दूंगी, ठीक है. बच्चों में थोड़े डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. बच्चा क्या कहता है, क्या करता है, पुअर फीडिंग, अच्छी तरह खाना पीना. अगर छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न या छोटा कोई 5 ईयर्स से कम का बच्चा, खासतौर पर ज्यादा छोटा 1-2 साल का बच्चा जो है वो खाना पीना छोड़ दे और वो फीड नहीं ले, तो इट्स अ सीरियस साइन. ये कोई जो है वो निग्लेक्ट करने वाला साइन ही, इसको जरूर इवेल्युएट करना चाहिए. बच्चा जब फीड छोड़ता है तो ये सीरियस साइन होता है. मुझे कुछ भी नहीं, बस ये दूध नहीं पी रहा, बुखार नहीं है, कुछ और मसला नहीं है, बस रोता बहुत है, दूध नहीं पीता, इट्स अ साइन. तो बच्चों में फीवर भी हो सकता है, पुअर फीडिंग भी हो सकती है, ड्राउजीनेस भी हो सकती है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है. इरिटेबिलिटी, बच्चा रोता बहुत है, ड्राउजीनेस जो है वो डीप स्लीप में रहता है, सोया सोया रहता है, इरिटेबल रहता है, फीड नहीं लेता, वगैरह वगैरह. इस तरह के सिम्टम्स के साथ भी ये प्रेजेंट कर सकता है. जब हम इसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं तो वी इवेलुएट टू क्लिनिकल साइंस, कर्निंग साइन एंड रुडजिंस्की साइन. कर्निंग साइन क्या है कि लेग को नी पे और हिप पे 90 डिग्री पे बेंड कर देंगे. पहले पेशेंट को सीधा लिटा के हिप को भी 90 डिग्री पे बेंड कर देंगे और नी को भी 90 डिग्री पे बेंड कर देंगे, ठीक है. अब जब लेग को स्ट्रेट करेंगे या सीधा करेंगे, नी को एक्सटेंड करेंगे, तो पेशेंट को पेन होगी या रेजिस्टेंस हम फील करेंगे, ठीक है. हम सीधा नहीं कर पाएंगे, पेन या रेजिस्टेंस फील करेंगे. पेशेंट पेन फील करेगा और हम रेजिस्टेंस फील करेंगे, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड टर्निंग साइन. इट विल बी पॉजिटिव व्हेन द लेग इज बेंट एट 90 डिग्री एट द लेवल ऑफ हिप joint at the level of knee joint, और फिर subsequently हम knee को जब extend करेंगे तो patient will experience pain, that will be called positive turning sign. और Rudzinski sign क्या, मैंने आपसे कहा कि इसमें neck stiffness होती है, यानी neck के जो है वो patient की वो stiff होती है, उसको हम passively flex करें तो हम नहीं कर पाते, हमें resistance feel होती है. passively neck की flexion क्या है, chin towards the thorax, और extension क्या है, opposite side में extension है और towards the thorax neck की flexion है. तो नेक की हम फ्लेक्शन करें तो हम नहीं कर पाते, हम रेजिस्टेंस फील करते हैं, टोन इंक्रीज हुई भी होती है, दैट इज कॉल्ड नेक स्टिफनेस. तो रुडजिंस्की साइन क्या है कि हम नेक को पैसिवली पकड़ के फ्लेक्स करेंगे तो पेशेंट का जो नी है या हिप है उसकी फ्लेक्शन हो जाएगी. हम नेक को फ्लेक्स करेंगे जबकि पेशेंट के नी या हिप की फ्लेक्शन, पेशेंट उसकी नी ज्वाइंट की या हिप ज्वाइंट पे फ्लेक्शन करेगा, so that will be called positive Rudzinski's sign.
इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कॉमन मोस्ट कॉमन जो है वो नाइसीरिया मेनिंजिटिस और स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया और लिस्टीरिया, ये कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज हैं विच कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन द कम्युनिटी. ठीक है, पेशेंट जो है वो उसकी नेजोफेरेंस में ये बैक्टीरिया दे गेन एक्सेस इन टू द नेजोफेरेंस ऑफ द पेशेंट एंड दे इन्फेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसका जो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है बैक्टीरिया का इन्वेड करता है ब्लड स्ट्रीम को, ब्लड में फिर रेप्लिकेट करते हैं ऑर्गेनिज्म जो भी हैं बैक्टीरिया हैं वायरसेस हैं एंड दे स्प्रेड टू द मेनिंजीज थ्रू द सेरिब्रल कैपिलरीज एंड कोरोइड प्लेक्सस एटसेट्रा एटसेट्रा. यानी कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है कि इन्फेक्टेड मटीरियल पेशेंट इनहेल करेगा, बैक्टीरिया वायरस इनहेल करेगा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो रहेंगे, वहां से कैपिलरीज में दे गेन एक्सेस एंड दे मल्टीप्लाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड दे इन्फेक्ट द मेनिंजीज. साइन एंड सिम्टम्स हम पहले पढ़ चुके हैं. बहरहाल फीवर जो कि यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर किसे कहते हैं, 102-103 डिग्री फीवर को हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं. ठीक है, 101 से ज्यादा, 100 से जो कम फीवर होता है वो लो ग्रेड फीवर है और 101 से ज्यादा जो होता है वो हाई ग्रेड फीवर है. इसके अलावा इसमें सीवियर हेडेक होती है, बहुत ज्यादा सर में शदीद दर्द होना, नेक रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस कह लें, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ होता है, दैट विल बी द कॉज फॉर वॉमिटिंग. सीजर्स आ सकते हैं, फिट्स. ठीक है, और कुछ पेशेंट में खासतौर पर बच्चों में रैश हो सकता है, खासतौर पर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जब होता है, मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया की वजह से जब मेनिंजाइटिस होता है तो पूरी बॉडी में बच्चे के बहुत बुरा रैश देखने को नजर आता है. तो रैश खासतौर पर बच्चों में और खसूसी तौर पर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जब होता है तो उसमें हमें रैश भी देखने को मिलता है. तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स. उसमें सबसे ज्यादा फीवर, सीवियर हेडेक और नेक रिजिडिटी, ये अगर हैं तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट मेनिंजाइटिस. जब भी हाई ग्रेड फीवर से हमारा वास्ता पड़े हमें फोकस ऑफ इन्फेक्शन ढूंढना है कि फोकस ऑफ इन्फेक्शन किधर है. ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आईज में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस, फिट्स. मसल्स में जाहिर है किसी भी हाई ग्रेड फीवर में फटीग, सीवियर मस्कुलर पेन और नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से और हाई ग्रेड फीवर की वजह से, सीजर्स, नेक स्टिफनेस, ड्राउजीनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें मेनिंजाइटिस में देखने को मिल सकते हैं. डायग्नोसिस हमने कैसे करना है, हमने सबसे पहले तो सीटी स्कैन कराना है. ठीक है, और अगर उस पर डायग्नोसिस नहीं बनता तो वी कैन परफॉर्म लंबर पंक्चर. वी वॉन्ट अ सैंपल ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ. हमें सीएसएफ का एक सैंपल चाहिए जिसको हम लैब में जो है वो डायग्नोस करेंगे कि whether there is an infection or not. ठीक है, ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक, जैसे ही पेशेंट मेनिंजाइटिस का आता है और उसको मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करते हैं, लंबर पंक्चर हम कौन से साइड पे करते हैं, क्या कह रहे हैं आप मैम, लंबर पंक्चर हम किस साइड पे करते हैं, मींस के कौन से लंबर सेक्शन पे? L3-L4 पे मैम. हाँ जी बिल्कुल, इस लेवल पे L3-L4 या L4-L5, इसी लेवल पे लंबर रीजन से. यस मैम. ठीक है, तो लंबर पंक्चर करने से हमने सीटी स्कैन इसलिए करवाना है ताकि हम देखें ये जो LP है इट्स अ इनवेसिव, ऐसा ना हो कि हम जो है वो एस्टेराइल, वैसे तो स्टेराइल ही करते हैं लेकिन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का बहुत ज्यादा ख्याल ना रखा जाए तो लंबर पंक्चर भी तो एक प्रोसीजर ही है ना, इट कैन इटसेल्फ कॉज मेनिंजाइटिस. ठीक है ना, है तो एक प्रोसीजर, है तो एक इंटरवेंशन, तो हम इससे बचने की कोशिश करेंगे अगर डायग्नोसिस और किसी मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से नॉन इन्वेसिव. इन्वेस्टिगेशन के क्या टाइप्स होती है, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव, जैसे एक्सरे नॉन इन्वेसिव है, अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेसिव है. ठीक है, लेकिन जो है वो ERCP या गैस्ट्रोस्कोपी इन्वेसिव है. ठीक है, तो पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन करें जिसमें कि हम पेशेंट के जो बॉडी बैरियर्स हैं उनको एंटर नहीं करते. ठीक है, लेकिन अगर उन पे डायग्नोसिस नहीं बने देन वी विल गो फॉर ओनली फॉर इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि डायग्नोसिस तो बनाना है. तो इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन तभी करेंगे जब वो रिकमेंडेड होगी, जब उसकी अशद जरूरत होगी, जब उसके बगैर कोई चारा नहीं होगा, इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन तभी करेंगे. पहले हम प्रेफर करेंगे कि नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन से हमारा डायग्नोसिस बन जाए. एनी हाउ नहीं बनता तो फिर LP इज एन ऑप्शन. ठीक है, और LP की जाती है और फिर उसको उस पर डायग्नोसिस जो है. अच्छा, लेकिन LP के
किसी भी किस्म के वो जो है रिजल्ट का वेट नहीं किया जाता, उससे पहले एम्पिरिकल थेरेपी के इस एरिया में कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है, कौन सी एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव है, वो शुरू करवा दी जाती है। फिर लंबर पंक्चर का जब वो आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो हम एंटीबायोटिक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट का वेट नहीं करते, तो टू स्टार्ट द एंटीबायोटिक वो पहले ही स्टार्ट करवा चुके होते हैं। और एंटीबायोटिक्स भी ऑब्वियसली सीएसएफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इशू है, इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक वो वाली होनी चाहिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे, जो कि सारी नहीं करती। स्टीरॉइड्स क्यों देते हैं? टू डिक्रीज ये मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करते हैं, सेरिब्रल एडिमा को कम करते हैं, तो इसलिए स्टीरॉइड्स जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा एनकेफलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू। मेनिनजाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन ऑफ द मेनिंजीज। एनकेफलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ। माइलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको माइलाइटिस बोलेंगे। ब्रेन का है तो उसको एनकेफलाइटिस बोलेंगे। इसके अलावा ब्रेन एब्सेस बनता है। एब्सेस कब बनेगा? किसी भी ऑर्गेन का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन जो है उसमें एक पर्टिकुलर कैविटी बन जाती है, आर्टिफिशियल कैविटी बन जाती है, नेचुरल कैविटी नहीं, आर्टिफिशियल कैविटी बन जाती है, और उसमें पस कलेक्ट हो जाती है। डब्ल्यू बी सी डेड जो है वो बैक्टीरिया, ठीक है, इनसे मिलके और डेबरिस वगैरह से मिलके तो पस, तो जब एब्सेस बन जाता है तो जब तक एब्सेस को ड्रेन नहीं करेंगे पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। एंटीबायोटिक्स बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो एब्सेस के अंदर नहीं जाती, उनके अराउंड जो है एब्सेस के अराउंड कवरिंग होती है जिसको एंटीबायोटिक क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो ब्रेन एब्सेस हो सकता है ब्रेन टिश्यू के अंदर, आर्टिफिशियली डिजाइन कैविटी, आर्टिफिशियल कैविटी बन के उसमें पस कलेक्ट हो जाए तो उसको हम कहेंगे ब्रेन एब्सेस। इसको फिर निकालेंगे, ड्रेन करेंगे तो फिर ही पेशेंट ठीक होगा। इसके अलावा एपिड्यूरल एब्सेस, एपिड्यूरल स्पेस में, एपिड्यूरल स्पेस कहाँ है? ड्यूरा मैटर और बोन के दरमियान में जो स्पेस है वो एपिड्यूरल स्पेस है, ठीक है। और इस केस में ड्यूरा मैटर और स्कल के दरमियान में, या ड्यूरा मैटर और स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में जो स्पेस है वहां पे अगर एब्सेस बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिड्यूरल एब्सेस। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक जो है वो पैरासाइट है, पूरी दुनिया में ही है लेकिन फ्रांस में जरा ज्यादा कॉमन है। और ये कहाँ से एक्सेस करता है ह्यूमन को, किस तरह से ह्यूमन इन कॉन्टेक्ट इसके आता है कि हाउस होल्ड पेट्स, स्पेशली कैट्स, कैट्स और डॉग्स, इनके लिटर में होता है ये। और इनको जिन घरों में ये चीजें मतलब आई मीन टू से ये पेट्स रखे जाते हैं तो वहां पे जो लोग हैं दे कैन कैच इन्फेक्शन। और खास तौर पे ये इन्फेक्शन आम लोगों में इतना खतरनाक नहीं होता लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में बजाते खुद उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर फीटस को ट्रांसप्लेसेंटल जो है वो हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसमें फिर बच्चे में हाइड्रोकेफलस और मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे को इन्फेक्ट अगर कर दे तो बच्चे में सिम्टम्स आ सकते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के। तो अगर डायग्नोसिस हो जाए तो मदर को ट्रीट किया जाता है और प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक जाती है एंटीबायोटिक, बट इट इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोकेफ एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन है और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक पैरासाइट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। It is transmitted by placenta from the infected mother to the neonate in utero. और ingestion of foods जो कि contaminated हैं उसमें parasite क्या जो है वो eggs हैं whatever, और animal urine और feces से या household pet से ये transmit होता है humans को। अगर intrauterine बच्चा infect होता है hydrocephalus and mental retardation can result. नेक्स्ट आर द डीजेनरेटिव डिजीजेस। ये तो हमने सीएनएस के इन्फेक्शन पढ़े कुछ बहुत थोड़े से। नेक्स्ट आर द डीजेनरेटिव डिजीजेस ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले अल्जाइमर्स डिजीज, यादाश्त का चले जाना, डिमेंशिया, यादाश्त का चले जाना, भूलने की जो आदत हो जाती है पेशेंट को, तो उसमें सबसे कॉमन जो फॉर्म है इसको क्या कहते हैं? डिमेंशिया। डिमेंशिया की बहुत सारी फॉर्म्स हैं और उसमें सबसे कॉमन फॉर्म है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में दो प्रॉब्लम होते हैं, एक तो ये कि टाउ प्रोटीन जो होती है, ये आप ये डायग्राम देखें तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी, जी डायग्राम नजर ही नहीं आ रही, ये शुक्र है आ गई। ये नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्रेन, इसमें न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं
और ये न्यूरॉन के दरमियान में जो स्पेस है, और ये एक ऐसा ब्रेन है जो कि अफेक्टेड है अल्जाइमर्स डिजीज से। तो इसमें क्या है कि न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे न्यूरोफिब्रिल्स होती हैं, यहाँ पे न्यूरोफिब्रिल्स होती हैं जो एक पार्ट ऑफ न्यूरॉन से दूसरे पार्ट ऑफ न्यूरॉन तक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होती हैं। तो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि न्यूरोफिब्रिल्स दे बिकम एबनॉर्मल, दे बिकम मेटेड टुगेदर, उसमें ताओ प्रोटीन होती है न्यूरोफिब्रिल्स में, वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो न्यूरोफिब्रिल्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं, और यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, जबकि नॉर्मल ब्रेन में ऐसा नहीं होता। एक लियन तो ये, दूसरा लियन है एमिलॉइड प्लेक्स। एमिलॉइड आप सबको अब तक पता है कि एक प्रोटीन है जो कि बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, जिसको कि डिग्रेड करके बॉडी से निकाल दिया जाता है। लेकिन एमाइलोडोसिस कौन सी बीमारी है जिसमें ये एमिलॉइड प्रोटीन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी उसको निकाल नहीं पाती। तो एमिलॉइड प्रोटीन जो कि निकल जानी चाहिए थी, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वहां पे जमा हो जाती है, और न्यूरोफिब्रिल्स जो है वो उनमें टाओ प्रोटीन दैट बिकम एबनॉर्मल एंड मेटेड टुगेदर। और ये दोनों जो लियंस हैं, एमिलॉइड प्लेक्स एंड एबनॉर्मैलिटी ऑफ द न्यूरोफिब्रिल्स, बोथ आर द लियंस जो कि अल्जाइमर डिजीज के ब्रेन में देखे गए हैं। तो इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। इसमें मेमोरी, पर्सनैलिटी रिकग्निशन यानी लोगों को पहचानना, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना, रीजनिंग बातों का सही जवाब देना, और इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर सकना, ये सारे जो फंक्शंस हैं पेशेंट के वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है जी। और ये आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी को डिस्ट्रॉय करती है, 50 प्लस के लोगों में होती है, 50 से कम लोगों में नहीं होती। और आहिस्ता आहिस्ता जो है पेशेंट बिल्कुल दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है, और अपने एवरीडे रूटीन जो टास्क हैं वो भी परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, बिल्कुल बैठ जाता है एक जगह पे। तो दो इसमें लियंस हैं जो हमने डिस्कस किए, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन जाते हैं और बीटा एमिलॉइड प्लेक्स बन जाते हैं, दे बिल्ड अप इन द ब्रेन। बीटा एमिलॉइड डिपॉजिट्स या बीटा एमिलॉइड प्लेक्स, अब तक आपको पता है प्लेक क्या होता है, तो इसको भी यहाँ पे प्लेक कहते हैं। प्लेक एक तो हमने स्किन लियन पढ़ा था, तो बॉडी के अंदर भी प्लेक्स बनते हैं, बीटा एमिलॉइड प्लेक्स, दे आर फॉर्म्ड इन साइड द ब्रेन टिश्यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। तो हेल्दी ब्रेन में क्या होता है कि न्यूरोफिब्रिल्स होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, और अल्जाइमर्स डिजीज में फ्रेगमेंट्स एक्यूमुलेट टू फॉर्म हार्ड एंड सॉलिबल प्लेक्स, एमिलॉइड प्लेक्स बनते हैं। न्यूरोफिब्रिल टेंगल्स इन सॉलिबल ट्विस्टेड फाइबर्स हैं जो कि ब्रेन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये ताओ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ताओ प्रोटीन। और ये इन माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नर्व सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द नर्व सेल ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। जबकि अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, ताओ प्रोटीन बिकम एबनॉर्मल एंड द माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स कर जाता है, दे बिकम एबनॉर्मल। So these two pathologies are found in a brain suffering from Alzheimer's disease. High blood pressure or diabetes mellitus increases the risk of developing Alzheimer's disease. तो ये दो risk factor हैं इन दो patients को, और जिसमें दोनों हों उसको खास तौर पे इसका ज्यादा risk है। तो इसलिए बड़े लोग जो है वो बार 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 at times पूछते हैं ये क्या है, किसी भी चीज के बारे में वो एक ही चीज के बारे में बार बार क्वेश्चन इसलिए करते हैं बिकॉज दे फॉरगेट कि आपने उन्हें क्या बताया था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि माँ बाप को उफ भी नहीं कहना, ठीक है, माँ बाप को तो वैसे भी कुछ नहीं कहना होता चाहिए। यस मैम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी माँ या बाप में से एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली। अच्छा जी, तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, बिहेवियरल थेरेपी है। और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स कौन से, अब तक आपको पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर कोलिनेस्टरेज एंजाइम आता है एसिटाइलकोलीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। एसिटाइलकोलीन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब अपना काम कर चुकती है तो कुछ तो नर्व सेल में वापस चली जाती है और कुछ को कोलिनेस्टरेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है, उसका काम जब हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पेशेंट अब कुछ कर ही नहीं रहा, तो हम कहते हैं जितनी एसिटाइलकोलीन जो है वो निकलती है नर्व सेल से वो वहां काम करती रहे,
तो हम कोलिनेस्टरेज एंजाइम का इनहिबिटर दे देते हैं ताकि कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो एसिटाइलकोलीन को इनहिबिट ना कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स में ये यूज होती है। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से पढ़ें। हंटिंगटन्स डिजीज क्या है? ये एक हेरिडिटी डिजीज है, डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है और ये इनहेरिट की जाती है, ये डोमिनेंट पैटर्न से इनहेरिट की जाती है, यानी चाहे मदर जो है वो पेरेंट में से आपको डिफेक्टिव जीन दे दे या फादर दे दे, दोनों में से कोई भी दे देगा तो आपको ये डिजीज पेशेंट को हो जाएगी। इट्स अ हेरिडिटी डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज, डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है और ये बेजल गैंग्लिया का डिसफंक्शन करती है। बेजल गैंग्लिया आपको पता है मिड ब्रेन के नीचे कॉर्डेट पुटामन सबस्टेंशिया नाइग्रा इनका कलेक्शन है। बेजल गैंग्लिया आर देयर बिलो द मिड ब्रेन और ये चार पांच न्यूक्लियाई का कनेक्शन है, कॉर्डेट पुटामन सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये मिलके बेजल गैंग्लिया बनाते हैं जिसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट में और सेरिबेलम के साथ मिलके कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट में। तो इसका डिसफंक्शन कर देता है हंटिंगटन डिजीज जो कि एक हेरिडिटी डिजीज है। तो इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? बहुत आहिस्ता अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एबिलिटी ऑफ वॉकिंग टॉकिंग एंड रीजन, आहिस्ता आहिस्ता चलने बोलना चलना पेशेंट का अफेक्ट होगा, वॉक अफेक्ट होगी, टॉक अफेक्ट होगी, रीजनिंग एंड इवेंचुअली द पेशेंट बिकम टोटली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, बेडरिडन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनवोलेंटरीली जर्की बॉडी मूवमेंट्स भी आती है जिसको कोरिया कहते हैं, टिक्स कहते हैं, इनवोलेंट्री जर्की बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि पेशेंट खुद से वो मूवमेंट नहीं कर रहा, ब्रेन सिग्नल दे रहा है ऑटोमेटिकली और पेशेंट की वो मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट जो है फिंगर में, फेस में, फीट में, ट्रंक में, कहीं पे भी देखने को मिल सकती है, इनवोलेंट्री जर्की बॉडी मूवमेंट्स, कोरिया एंड टिक्स। इंक्रीज क्लमजीनेस, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आती, परेशान हाल। ठीक है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, सही तरह से पेशेंट बोल नहीं पाता, आहिस्ता आहिस्ता पॉजेस दे दे के अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है। जॉ क्लेंचिंग एंड टीथ ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग तो सोए हुए में बहुत से लोग करते हैं, एनी हाउ हंटिंगटन्स डिजीज में ये बहुत ज्यादा पेशेंट ये करता है, जॉ क्लेंच करता है, टीथ ग्राइंड करता है। स्वॉलिंग और ईटिंग में डिफिकल्टी है, तो बेजल गैंग्लिया का डिसफंक्शन जिसकी वजह से ये सारी इनवोलेंट्री जर्की बॉडी मूवमेंट्स, कोरिया, टिक्स, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बैलेंस और प्रॉब्लम्स विद वॉकिंग, प्रॉब्लम्स विद टॉकिंग, स्लरिड स्पीच, ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कोई खास मेडिकल ट्रीटमेंट, हेरिडिटी डिजीज है वैसे भी तो कोई जो है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज नॉट देयर, बट मेंटेनिंग एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर, मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट फिजिकल थेरेपी और इमोशनल सपोर्ट के लिए और मूवमेंट प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन जो दी जाती हैं दे आर हेल्पफुल इन द पेशेंट ट्रीटमेंट। ब्रेन ट्यूमर्स को आप छोड़ दें क्योंकि ये यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं लिखे हुए, इनको आप छोड़ दें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रोक, फालिज, जिसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं, फालिज। तो आपको हर डिजीज का पता होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं। तो स्ट्रोक या फालिज दो तरह का होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो ब्रेन टिश्यू के अंदर कोई पर्टिकुलर कैपिलरी है या आर्टेरियोल है, छोटी आर्टरी है, वो ब्लॉक हो गई, उसमें कोई थ्रोम्बस बन गया, ब्लड क्लॉट बन गया। अब वो फिर ब्लड सप्लाई तो नहीं कर सकेगी, जहां ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही थी तो वो उसमें तो रुकावट आ गई, क्लॉट आ गया, तो वो ब्लड सप्लाई जहां कर रही थी वहां नहीं कर सकेगी, तो वो एरिया जो है वो ब्रेन का उसका इस्कीमिया हो जाएगा। अगर क्लॉट टाइमली रिमूव नहीं होता तो उसका इस्कीमिया हो जाएगा, वो एरिया जो है ब्रेन टिश्यू का वो इस्कीमिक हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जिस पार्ट ऑफ द बॉडी को, राइट आर्म को या राइट आर्म प्लस राइट लेग को या लेफ्ट आर्म को या लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग को, जिसको भी वो कंट्रोल कर रहा था या दोनों लेग्स को कर रहा था या दोनों आर्म्स को कर रहा था, जिस एरिया ऑफ द बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा था, अब वहां पे क्या होगा, वो एरिया काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एरिया की जो मूवमेंट का है लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ मूवमेंट उस एरिया में हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, वहां पे हम कुछ फील नहीं कर सकेंगे और स्पीच का भी लॉस हो सकता है। ब्रोकास एरिया भी तो ब्रेन में है, उसका इस्कीमिया हो जाएगा तो वो स्पीच का लॉस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एकदम से रात के टाइम खासतौर पे जब पेशेंट सोया हुआ होता है तब होता है मोस्टली केसेस में, और ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता है, इसे कहते हैं इवॉल्विंग स्ट्रोक। यानी पहले थोड़े से सिम्टम आते हैं और फिर 24 आवर्स में पूरा पता चलता है कि कितना एरिया जो है वो बॉडी का अफेक्ट होना है। ठीक है, 24 आवर्स से ज्यादा जो सिम्टम्स रहते हैं वो स्ट्रोक होता है। तो कम वाले को क्या कहते हैं, TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ब्रेन में कहीं कैपिलरी में क्लॉट आया या वेजोस्पैज़म हुआ, उस एरिया ऑफ द ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हुई, सिम्टम्स आए, लॉस ऑफ मूवमेंट या वीकनेस, लॉस ऑफ मूवमेंट या वीकनेस, की पेशेंट ने बहुत ज्यादा वीकनेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी या वीकनेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और फिर 5-6 घंटों में मरीज ठीक हो गया, तो ये क्या था, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, TIA। तो फिर इसमें जो है ये बड़ा मुद्दा हो गया, बड़ी अच्छी बात हो गई, पेशेंट को स्ट्रोक होने लगा था लेकिन नहीं हुआ, रिवर्ट हो गया। तो इसमें फिर कैरोटिड आर्टरी डॉपलर कराया जाता है, और जो कि उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, उसमें कोई एथ्रोमा तो नहीं बना हुआ, ठीक है, ताकि उसको मेडिसिन से ट्रीट किया जा सके। और जो रिस्क फैक्टर जो आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के, वो ऑब्वियसली पेशेंट में पाए जाएंगे, तो तभी TIA होगा ना, तो उनको हम एड्रेस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आइंदा से ये चीजें, इनसे पेशेंट बच जाएगा। ठीक है, तो TIA भी होता है, और TIA नहीं है तो फिर स्ट्रोक है। ठीक है, जो आया स्ट्रोक और फिर 24 आवर या लॉन्गर उसके सिम्टम्स रहे तो वो स्ट्रोक है, इससे कम वाला क्या है, TIA। अच्छा जी, इसमें मोटर स्पीच एरिया एंड इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एरिया डिस्ट्रॉय होंगे ना? हाँ जी, कोई भी एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो एरिया डिस्ट्रॉय होगा उस एरिया का जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोसिस में क्या होना है, वन ऑफ द सेरिब्रल आर्टरीज आर ब्लॉक्ड बाय थ्रोम्बस, या जिसको ब्लड क्लॉट कह लें आम जबान में। ठीक है, हेमरेज में क्या है कि ब्लीडिंग इन साइड द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ अ सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें ये नहीं होगा, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें ये नहीं होगा। तो हमारे सारे बड़े और सारी कम्युनिटी क्या कहती है, जी मैं ब्लड प्रेशर मुझे जब होता है ना तो तब मैं दवाई खा लेता हूँ, तो जब मुझे नहीं होता ना तो तब मैं नहीं खाता हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो तब मैं दवाई खा लेता हूँ, तो जब मुझे पता होता है ना कि ब्लड प्रेशर मेरा हाई नहीं है ना तो तब मैं दवाई नहीं खाता हूँ। ठीक है ना, आप सबने ये सुनी हुई है ना बात। तो ऐसा yes, नहीं होता, पेशेंट या तो हाइपरटेंशन का पेशेंट है या नहीं है, या पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है या नहीं है, कोई बीच वाली बात नहीं है कि कभी कभी मुझे ब्लड प्रेशर होता है और कभी कभी मुझे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। या तो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ही इज अ पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरी चीज क्या है कि ही और शी इज नॉट अ पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो तो मेडिसिन उसको लेनी चाहिए और रेगुलर लेनी चाहिए। इस पे नहीं कि मैं चेक करके लेता हूँ, मेरा हाई होता है तो मैं लेता हूँ, मेरा लो होता है तो मैं नहीं लेता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मैसेज आप पब्लिक में स्प्रेड करें। तो टू टाइप, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल हेमरेज। थ्रोम्बोसिस में क्लॉट होगा, हेमरेज में हेमरेज होगा। अच्छा, पेशेंट को स्ट्रोक होता है, फौरन हम उसको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाते हैं, जिनाह अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, और जनाब क्या उसे कहते हैं, सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाते हैं, क्योंकि जरा एक्सटेंसिव लेवल पे ट्रीटमेंट चाहिए होती है। सबसे पहले वो सीटी स्कैन करवाते हैं। अच्छा, सीटी स्कैन पे अब हेमरेज जो होता है वो फौरन उसी वक्त आ जाता है, तो डायग्नोसिस उसी वक्त बन जाता है कि हेमरेज है पेशेंट को और हेमरेजिक स्ट्रोक है। ठीक है, लेकिन अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो सीटी स्कैन उस वक्त नॉर्मल आएगा, क्योंकि इस्कीमिक चेंजेस जो है वो विद इन 24 आवर पिक नहीं होते, वो 3-4 दिन के बाद पिक होते हैं। ठीक है, इस्कीमिक स्ट्रोक में अगर 3-4 दिन बाद सिटी स्कैन कराएंगे तो हमें ब्रेन लीजन मिलेगा, कहाँ है कितना है, फौरन नहीं मिलता। फौरन क्या मिलता है, हेमरेजिक स्ट्रोक। तो उसमें हमें ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है कि हमने थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है कि नहीं देनी। ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है तो और ट्रीटमेंट है थोड़ा, और इस्कीमिक स्ट्रोक है तो थोड़ा और ट्रीटमेंट। ज्यादातर मेल्स में होता है, क्यों, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट कर रहा होता है, इस वजह से फीमेल्स इसका कम शिकार होती हैं। ये प्रिवेंटेबल है, मोस्ट कॉमनली एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज ऑफ द
ब्लड वेसल्स इसकी कॉज होती है, सडन भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है। अच्छा जी, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के यानी कि हार्ट अटैक होने के भी रिस्क फैक्टर्स हैं और स्ट्रोक होने के भी रिस्क फैक्टर्स हैं। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज है, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, एट्रिया जो हार्ट के हैं वो एनलार्ज अगर हो जाएं तो उनकी कॉन्ट्रेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं रहती, और एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, एरिदमिया ऑफ द एट्रिया, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जो है वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय वो उनका एरिदमिया होता है। तो ऐसे अब आपको पता है कि ब्लड का काम है बहना, जहां वो रुकेगा क्लॉट बन जाएगा, जहां वो रुकेगा क्लॉट बन जाएगा। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि रिदम एट्रिया का डिस्टर्ब होता है, तो उसके अंदर जो ब्लड है वो पूरी तरह से उसको अच्छी तरह पंप करने के काबिल नहीं रहते एट्रिया। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में ब्लड क्लॉट्स जो बनते हैं, दे कैन ट्रेवल टू द ब्रेन, दे कैन ट्रेवल टू द सिस्टेमिक क्लॉट्स जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, तो दे कैन कॉज स्ट्रोक। डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज मिलाइटस किंग ऑफ डिजीजेस, डायबिटीज इज कॉल्ड किंग ऑफ डिजीजेस, इट्स अ माइक्रोवैस्कुलर डिजीज, छोटी ब्लड वेसल्स को बिल्कुल खराब करती है, हार्ट डिजीज, ब्रेन हार्ट डिजीज और स्ट्रोक करती है, वास्कुलर डैमेज करती है ना। तो वेसल का ही तो रोना है कि वेसल में थ्रोम्बस बन रहा है, वेसल में जिसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है, तो वास्कुलर डैमेज करती है डायबिटीज। हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल खराब है पेशेंट का। लिपिड प्रोफाइल कैसे करवाते हैं, फास्टिंग सीरम लिपिड प्रोफाइल ऐसे आप लिख के भेजते हैं, और सुबह खाली पेट जो है वो पेशेंट 8 आवर्स की फास्ट होनी चाहिए, यानी रात के 12 बजे के बाद उसने कुछ नहीं खाया, सुबह उठ के पानी भी नहीं पिया, और 8 बजे सुबह जो है 9 बजे 10 बजे अपना ब्लड सैंपल दिया, तो उसको हम कहेंगे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल पेशेंट ने करवाया है। तो वो अगर नॉर्मल नहीं है, ठीक है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, मेल जेंडर होना रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, हर वक्त बैठे रहते हैं, और जो है वो ऑफिस जॉब्स हैं, बिल्कुल नहीं चलते फिरते, घर आके सो जाते हैं, सुबह उठ के दोबारा ऑफिस चले जाते हैं, या कोई ऐसा बंदा है जो कोई काम करता ही नहीं जिंदगी में, निकम्मा है, ढीला है। एट एनी हाउ एक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है जिसमें, कोई एक्टिविटी नहीं है बहुत अच्छी, उसमें ज्यादा रिस्क है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स अगर कोई कंट्रोल कर लेगा तो वो हाई जो है वो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से बच सकता है। इस्कीमिक स्ट्रोक, वही बात, रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकेज और स्टीनोसिस ऑफ द सेरिब्रल आर्टरी दैट डिक्रीजेस और इवन स्टॉप्स कंप्लीटली द ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन, उस एरिया ऑफ द ब्रेन का फंक्शनल लॉस हो जाएगा, वी विल फील वीकनेस या लॉस ऑफ मूवमेंट्स कंप्लीटली ऑन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या है, लार्ज थ्रोम्बोसिस, रेस्टिंग और स्लीपिंग में ये ज्यादातर होता है, ठीक है, अफेक्ट्स ओनली वन रीजन ऑफ द ब्रेन, ऑक्सिपिटल लोब को, या ऑक्सिपिटल लोब में एक एरिया को, या फ्रंटल लोब में एक एरिया को, एटसेट्रा एटसेट्रा। अकर्स रैपिडली, प्रोग्रेसिस स्लोली, वर्सन्स ओवर नेक्स्ट 1 to 2 वीक, इसको कहेंगे स्ट्रोक इन इवेल्युएशन, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में कंप्लीटली हमें पता चलेगा कि कितना फंक्शनल लॉस इज देयर और कितना नहीं। हेमरेजिक स्ट्रोक, इंट्राक्रेनियल हेमरेज अकरिंग व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर्स इनसाइड द ब्रेन टिश्यू, मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन। लास्ट इज द पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज क्या है कि मैंने आपको पीछे भी जिक्र किया बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया आर प्रेजेंट बिलो द मिड ब्रेन, दे आर अ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई जिसमें कॉर्डेट, प्यूटामेन और सब्सटेंशिया नाइग्रा होते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा का क्या मतलब होता है, नाइग्रा मीन नीग्रो, ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन पे, MRI वगैरह पे, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन पे ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक सी ये जगह नजर आती है सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसलिए इसको सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, जो कि हमारी मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोपामीन। किसी वजह से जो हमें वजह मालूम नहीं है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामीन बनाना कम कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता डोपामीन बनाना बंद कर देता है। समहाउ इट, ये अकेला सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है ये समहाउ किसी वजह से, जो कि वजह हमें मालूम नहीं है, कॉज इज नॉट नोन, तो ये डोपामीन बनाना कम कर देता है या फाइनली स्टॉप कर देता है। तो दैट रिजल्ट्स इन पार्किंसंस डिजीज, जिसमें कि मूवमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेडीकाइनेसिया होता है, ब्रेडी का मतलब कम, काइनेसिया का मतलब मूवमेंट, पावर्टी ऑफ मूवमेंट हो जाती है इतनी ज्यादा कि पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाता, इतनी
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इतनी पावर्टी क्या गुर्बत मूवमेंट मूवमेंट की गुर्बत पावर्टी ऑफ मूवमेंट ठीक है। ब्रेडी का इनिजी आगे एक काम करने के लिए पेशेंट को बहुत ही देर से वो चीज पिक करता है ठीक है। और कॉगवील रिजिडिटी और वो लेड पाइप रिजिडिटी वो होती है इसमें। वॉक जो है पार्किंसंस डिजीज की वो स्पेसिफिक वॉक होती है गेट पार्किंसंस डिजीज की जो जर्की गेट होती है ठीक है। तो मसला क्या है कि सब्सटेंशिया निग्रा जो है वो डोपामीन कम बना रहा है और फाइनली नहीं बना रहा तो इसको इसमें मूवमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं और बेसल गैंग्लिया का पार्ट है सब्सटेंशिया निग्रा। और ट्रीटमेंट इसमें क्या है डोपामीन नहीं बन रही डोपामीन दे लेकिन कौन सी एल डोपा लीवोडोपा लीवोडोपा इज द फॉर्म ऑफ द डोपामीन दैट विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सिंपल डोपामीन विल नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर लीवोडोपा विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इसलिए लीवोडोपा दी जाती है और इसके जरिए से इसको ट्रीट किया जाता है। इट इज ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज इज ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म डोपामीन बाय द बेसल गैंग्लिया बाय द सब्सटेंशिया निग्रा इन द ब्रेन टिश्यू। नॉर्मली दीज न्यूरॉन्स प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज डोपामीन। व्हेन दीज न्यूरॉन्स डाई और बिकम इंपेयर्ड और डैमेज्ड ड्यू टू सम रीजन दे प्रोड्यूस लेस डोपामीन विच कॉजेज द मूवमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन वो साइंटिस्ट था जिसने इसको पहली दफा डिस्कवर किया था। अच्छा क्या रीजन है डोपामीन ना बनने की क्या सब्सटेंशिया निग्रा में पैथोलॉजी होती है क्या रीजन बनती है इस चीज की वो हमें नहीं पता। बहरहाल पार्किंसंस डिजीज का जो ट्रीटमेंट है उसमें मूवमेंट प्रॉब्लम मेनली होते हैं ब्रेडिकाइनिजिया होता है गेट अफेक्ट होती है ठीक है। तो पेशेंट को जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो है वो करता है और उसको जो है वो लीवोडोपा के जरिए ट्रीट किया जाता है। एनी क्वेश्चन मैम डोपामिन का फंक्शन जरा बता दें। डोपामिन के फंक्शन यही है ना कि मूवमेंट नॉर्मल रखने के लिए बेसल गैंग्लिया इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट और फिर सेरिबेलम कंटिन्यूएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मूवमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ठीक है। तो डोपामिन का फंक्शन यही है कि नॉर्मल मूवमेंट हम स्टार्ट करें ठीक है उसके लिए डोपामिन जरूरी है। तो जब डोपामिन नहीं होती तो पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट हो जाती है हम मूवमेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ठीक है। इवन के मूवमेंट कौन करता है मसल्स तो ये फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी हम मसल मूवमेंट से ही देते हैं ना। हम किसी को देख के बुरी शक्ल बनाते हैं या हम किसी को देख के अच्छी शक्ल बनाते हैं तो वो किस वजह से हम कर पाते हैं मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन की कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से। तो वो भी डोपामिन नहीं है तो वो भी नहीं होगी ठीक है। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी काम नहीं करेंगे तो ये बड़े तो मसल्स और ही इनमें प्रॉब्लम होगा। ब्रेडिकाइनिजिया के मूवमेंट जो है हमारी बॉडी की बहुत कम हो जाएगी ठीक है। कोई भी मूवमेंट आपने करनी है तो उसके लिए पेशेंट को बहुत मुश्किल पेश आती है और एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स होंगी जब ब्रेन जो है वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल तो एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होंगी और रिजिडिटी पेशेंट विल एक्सपीरियंस अपने मसल्स में वो रिजिडिटी एक्सपीरियंस करेगा जी। अच्छा आप लोगों ने ना क्विज दिया है तो बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अब कितने लोग हैं ये तो मैं काउंट करूंगी उसमें बहुत सारे लोगों ने इतना ज्यादा टाइम देने के बावजूद बेटा आपने जो है वो लेट सबमिशन कराई है। तो जिन्होंने लेट सबमिशन कराई है उनका जो है वो क्विज एक्सेप्ट नहीं होगा। अब टाइम लिमिट तो मैं देखूंगी जिनकी 5 मिनट ऊपर है ठीक है लेकिन इससे ज्यादा अगर किसी ने लेट सबमिशन कराई है तो मैं बेटा उसको मार्क नहीं करूंगी। हाँ जी टाइम मैंने आपको इनफ टाइम दिया था आपका सेक्शन सी है ना पीएम तक लिखा होता टाइम एक टाइम में एक बंदा बोले यस मैम सेक्शन सी है हमारा। ईमान रजा आप बताएं बेटा क्यों लोगों ने लेट सबमिशन क्यों कराई है जब 10-15 मिनट तो मैंने आपको जो पेपर मैंने पहले दूसरे सेक्शन को भेज दिया था फिर मैंने आपको भेजा 10-15 मिनट तो मैंने उसकी वजह से आपको रिलैक्स कर दिया और एक 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है बेटा उसको करने के लिए अगर आपको 40-50 मिनट दिए जा रहे हैं फिर भी आप और आपको मैं ईमेल दिखाऊं लोग मुझे आज तक क्विज भेज रहे हैं बेटा कोई आप करने वाली बात करें। मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी आपके सेमेस्टर 1 में तब तो आप लोग ऐसे नहीं थे हैं जी। यस मैम आपकी बात ठीक है टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा था हमने मतलब कि मैंने तो
टाइम पे ही सबमिट करवाया था, जिन्होंने लेट सबमिट कराया वो तो उनकी मिस्टेक है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये इसमें ऐसी कोई चीज, और आपको मैं ईमेल दिखाऊं, आप लोग मुझे आज तक क्विज भेज रहे हैं बेटा, इज इट अ जोक? आप अपने टीचर का मजाक उड़ाते हैं, इस तरह तो नहीं करते ना। अगर टीचर लीनियंट है तो आप उसको चार दिन के बाद क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, व्हाट इज दिस? इस तरह तो नहीं करते ना। कल को इंशाल्लाह आपने भी टीचर बनना है। यस मैम। तो आज तक, कल तक तो मुझे क्विज के पेपर रिसीव हो रहे थे। मैडम मैं बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने आपको बताया था ये ले मेरा क्विज। बेटा ये कोई बात है करने वाली? एक एग्जाम है जो टाइम्ड एग्जाम है 40 मिनट्स का, चार दिन के बाद आप उसको आंसर शीट भेज रहे हैं, तो ये अनोइंग नहीं है क्या? दरियाब आप बात करिए, मैं सिर्फ उन लोगों को मार्क करूंगी जो लोगों ने टाइम पे सबमिट कराया, जिन्होंने टाइम पे सबमिट, एक दो दिन में सी सेक्शन के नंबर। इंशाल्लाह बुध को मेरी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है, तब तक मैं नहीं उसको कर सकती। जुमेरात या जुमे को इंशाल्लाह आपके मार्क्स लग जाएंगे, फिर जिनके नहीं लगेंगे वो LMS पे दोबारा मुझे नेक्स्ट 3 लेक्चर्स का क्विज दें, ये आपकी सजा है। मैं उन लोगों को मार्क नहीं करूंगी जो मुझे दो दो घंटे बाद पेपर जिन्होंने भेजा है या मुझे जिन्होंने अगले दिन पेपर भेजा है, बेटा मैं उनको मार्क नहीं करूंगी। ये आप सबको बता दो सारे सेक्शंस को, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।